नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं शिविर सामने यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, यमुनानगर जगाधरी की तस्वीरें हैं। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आवाज उठाते हुए सामने नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने ठेका खुला हुआ है, ठेके को लेकर जो है लगातार विरोध है। ये खुल जाएगा, क्या कहेंगे, क्यों बंद किया आपने रोड? हाँ जी, ये ठेके के कारण करा जी। सामने शिविर है, हम सच्चा जल लेकर जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यूपी के अंदर बंद करवा दिया था, एसपी बुलाया था वहाँ पे। इसको बंद कर दोगे, ये मैं खोल दूंगा यहाँ से, नहीं तो अभी मैं जाल अपना गिरूंगा सड़क के ऊपर। ये भी बता दिया सारे कपड़े खड़े हैं यहाँ पे। अम्बाला सिटी से आया हूँ जी। क्या समस्या है? समस्या ये ठेका बंद होना चाहिए। हाँ जी, बस जी यही समस्या है। जब सिटी के अंदर भी होएगा तो मैं सिटी के अंदर अपने वहाँ पे घर के बाहर भी करूँगा, मेरा घर है वहाँ पे, वहाँ भी पूरे सिटी के अंदर करूँगा मैं। बोले मेरी बात। हाँ जी, एक मिनट, इस चीज से आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? क्या आपत्ति है? किस बात की? कमाल है, सच्चा जल लेकर जा रहे हैं, यूपी के अंदर बंद करवा दिया भाई। यूपी के अंदर सारे बंद कर बाहर के हैं भाई जी। किसी बंदे ने आपको कुछ बोला? बंद रोड फिर जब बंद होएगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ भी बंद करो। चलो वहाँ भी लाओ, वो भी बंद। तो फिलहाल देख सकते हैं श्रद्धालु क्यों क्या ठेके को लेकर, सुनो ठेके को लेकर किस चीज को लेकर है? ठेके को लेके हो रहा है भाई सारा ये। अच्छा, सारा क्या चाह रहे हैं आप? योगी सारे यूपी में बंद पड़े ठेके, सारी सरकार के योगी ने करके बंद ठेके बोले। तो आप हरियाणा में भी जा रहे हैं? अरे पंजाब में जा रहे हैं बोले। तो फिलहाल देख सकते हैं दूसरी तरफ जी, पंजाब और हरियाणा में जा रहे हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं ठेके को पुलिस जो बहरहाल देख सकते हैं ठेके को जो पुलिस लगातार बात कर रही है। आप क्या चाह रहे हैं? ठेके नहीं चलने चाहिए? नहीं चलने चाहिए। हरियाणा के अंदर पूरे मांस मच्छी की दुकान और ठेके खुले नजर आए मुझे, मैं उसी टाइम ही सड़क के ऊपर ब्लॉक कर दूंगा पूरी सड़क। तो फिलहाल देख सकते हैं ठेके को पुलिस जो है श्रद्धालुओं के विरोध में बंद कराने की जो है बात फिलहाल की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार पुलिस प्रशासन ठेके को लगातार बंद कराने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं श्रद्धालु जो है, फिलहाल श्रद्धालुओं में जो है काफ़ी रोष है, जिसको लेकर के यहां पर रोड को जो है एक बार पर पुलिस जो है फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को बंद कर लॉ एंड ऑर्डर को जो है संभालते हुए फिलहाल नज़र आ रही हैं। श्रद्धालु जो है काफ़ी गर्म हो चुके हैं। बाहर अगर तस्वीरें देखेंगे, श्रद्धालुओं ने जो है रास्ता रोक दिया था, पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है ठीक करने के लिए पुलिस ने जो है इस ठेके को बंद करा दिया है। बात जो है मान ली है पुलिस ने श्रद्धालुओं की बात, फिलहाल जो है श्रद्धालुओं ने श्रद्धालुओं की बात पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर मानी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि लगातार श्रद्धालु इकट्ठा होने शुरू हो गए थे जगाधरी पर। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी तरफ भारी पुलिस, एकदम से पुलिस जो है इकट्ठा हो गई, रोड एकदम से बंद हो गया। बहरहाल अब जो है ठेके को श्रद्धालुओं के विरोध के बाद जो है बंद करा दिया गया, क्योंकि उनका कहना था सामने शिविर है और शिविर के सामने ही जो है ठेका यहाँ पर खुला हुआ। इस तरीके का विरोध श्रद्धालुओं द्वारा जो है लगातार किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही करने के लिए ठेके को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं ठेके के पीछे लाइटें भी जो हैं बहरहाल बंद कर दी गई है। क्या कुछ पूरी बातचीत हो रही है वहाँ ठेके को लेकर, पुलिस से भी बात करेंगे। पुलिस ने फिलहाल अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालते हुए देख सकते हैं तस्वीरें, क्या कुछ पूरी बातचीत हो रही है। बहरहाल ठेका बंद हो गया आप तो ठेका? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है जी, अभी कर रहे हैं। करवा दिया पुलिस ने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करा दिया जी। तो क्या अपील क्या करेंगे आप? अपील यही करता हूँ कि हरियाणा के अंदर जितने भी ठेके हैं, मैं खट्टर साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि अगली बारी दोबारा सीट पे आपने बैठना है। अगर जब दोबारा आप वोट चाहते हो कि दोबारा वोट मिले मुझे, तो ठेके और मांस मच्छी की दुकान कैंट के अंदर और मेरे सिटी के अंदर और कोई भी हरियाणा का कोई भी जिला वहाँ पे बंद होना चाहिए। जल पाए तो वहीं पड़े। तो फिलहाल पुलिस जो है अब इन्हें यहाँ पे विश्राम करना है आपने, आपकी व्यवस्था के लिए, ठीक है? वो बंद हो गया, आप संतुष्ट हो? बस ठीक। वेद जी क्या कुछ आपके लिए, देखो धन्यवाद है आपके लिए। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, हर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे जो लग रहे हैं, अब पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे जो है बहरहाल लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे पुलिस का शुक्रिया अदा करेंगे? शुक्रिया अदा करता हूँ जी पुलिस प्रशासन का, बहुत बढ़िया सहयोग करा इन्होंने। 5 मिनट के अंदर
मेरी बात सुनी, 5 मिनट के अंदर इन्होंने बंद करवाया ठेका, सही पूछो तो। अगर जी मैं तो यही गुजारिश करता हूँ हरियाणा पुलिस से कि अपना ठेके जो से हैं और मांस मच्छी की दुकान है वो बंद रखे, जब तक 26 तारीख को जल चढ़ जाएगा उसके बाद खोलो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, जल चढ़ जाएगा उसके बाद खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर कोई ठेका नजर आया द्वारा सड़क के ऊपर, पूरी सड़क के ऊपर द्वारा नजर आया, मैं ऐसे ही प्रशासन के ऊपर मतलब सड़क ब्लॉक कर दूंगा। तो फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें यमुनानगर जगाधरी के अंदर जो है, ये सरकार को वार्निंग दे रहा हूँ मैं, सरकार को खुद वार्निंग दे रहा हूँ मैं। मेरे जितने अगर कावड़िया भी चल रहे होंगे ना, मैं उनको भी रोक दूंगा, उसी टाइम ही वो ठेका बंद होएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सड़क के ऊपर ही बैठ जाएंगे हम जल लेकर। ये सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे जितने भी ठेके खुल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो अगर से देख भी रहे हो फेसबुक के ऊपर लाइव मीडिया के चैनल पे, कान खोल कर सुन लो, कान की रुइये अगर से तुमने सरकार ने डाल रखी है ना, कान की रुइये भी निकाल लो। अगर से कोई दुकान खुली नजर आ गई ठेके की, मांस मच्छी की कोई भी दुकान नजर आ गई, वो उसी के ऊपर ही सड़क के ऊपर आंदोलन होगा, ये ध्यान रखें, ये वार्निंग है। कावड़ियों ने जो है यमुनानगर जगाधरी के जो शिविर के सामने आप ठेका देख सकते हैं, वहां पर जो है लगातार रोष में थे कावड़िए कि शिविर के सामने ठेका किस लिए खुला है। तो उस ठेके को जो है बहरहाल पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए इस ठेके को जो है फिलहाल बंद यहां पर करवाया गया है। पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालते हुए ये पूरा काम किया। एक बार पुलिस से जरूर बातचीत करेंगे, पुलिस क्या कुछ कहती है, क्या मामला हुआ था यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। दोबारा रोष में है, क्यों रोष में है, कांवड़ियों ने दोबारा रोष यहाँ पर प्रकट कर दिया है। अब तो ठेका बंद करवा दिया था, बोले क्या कहेंगे, शटर पूरा नीचे गिरना नजर आना चाहिए, ये सारे ताले भी नहीं लगे पड़े तुम्हारे, ये दोबारा ब्लॉक होगी अब तो। फिलहाल इसको बिल्कुल बाहर की लट्टे लुट्टे सब बंद करो, नीचे ताले लगे होने चाहिए, बंदा भेज रहा हूँ सिंपल वाला कोई मैं। तो फिलहाल देख सकते हैं कांवड़िए लगातार रोष, ये रोष बंद कर दिया गया है, फिलहाल क्या कहेंगे, क्यों अब क्यों बंद कर दिया रोड, फिर ठेका इन्होंने हाफ शटर खोल रखा है, द्वारा 10 शटर खोल रखा है इन्होंने। फिलहाल पुलिस जो है देख सकते हैं, पुलिस एक बार रास्ता जो है खुलवा रही है, पुलिस लगातार यहां पर रोष में थे, जो देख सकते हैं यहां पर जो है ठेके की फिलहाल लाइटें भी अब बंद करवा दी गई है, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए ठेके को बंद करा दिया गया, क्या कुछ पूरी बातचीत हो रही है देखते हैं एक बार। अब क्या चाहते हो आप, पूरा शटर जब लॉक हो जाएगा ना तो उसके बाद यहाँ पे ओके होगा बिल्कुल, हाँ बंद हो जाएगी। फिलहाल पूरा शटर जो बंद करवाने की श्रद्धालुओं द्वारा जो है बात की जा रही है, उनका ये कहना है कि शिविर के सामने जो है ठेका खुला हुआ है, इसको बंद कराया जाए, इस तरीके की बातचीत, और सड़क को जो है जाम कर दिया था श्रद्धालुओं ने, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं ने जाम कर दिया था, और उनका कहना है कि शिविर के सामने जो है 26 तारीख जल तक, जब तक जल चढ़ेगा तब तक ये ठेका नहीं खुला होना चाहिए, इस तरीके की बातचीत श्रद्धालु लगातार, शिव भक्त लगातार। सरकार को बार बार वार्निंग दे रहा हूँ सरकार को, अगर ये ठेके खुले भी कोई भी मुझे अम्बाला शहर तक कोई भी नजर आया मांस मच्छी की दुकान, अगर जे कोई ड्रिंक की दुकान नजर आई ठेका खुला हुआ, हम सड़क पे जाल लेकर बैठ जाएंगे, चाहे पीछे जितने भी कावड़ी आ रहे होंगे सब सड़क ब्लॉक कर देंगे, दोनों साइड से करेंगे, कोई सिंगल साइड से नहीं करेंगे, ये ध्यान से सुन ले सरकार, अगर जे रुइयां भी पार किए ना कान में वो भी निकाल ले, दिल्ली से मैल निकाल ले। फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी गुस्साए थे पर, लेकिन ठेके को बंद कराकर प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को फिलहाल संभालने की यहां पर कोशिश करी है, क्योंकि लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ श्रद्धालुओं में रोष था कि शिविर के सामने जो है ठेका खुला हुआ और ठेके को बंद कराया जाए, सड़क को चंद 2-3 मिनट के लिए बंद किया गया था, पर प्रशासन के रहते हुए जो प्रशासन की सूझबूझ से जो है अब इस ठेके को फिलहाल बंद करा दिया गया, क्योंकि लगातार श्रद्धालु जो सामने ठहरे हुए हैं। एक बार SHO यहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो लगातार संभालने का जो है काम किया है, एक बार बातचीत जरूर करेंगे। SHO यहां पर हुड्डा SHO यहां पर है, सर क्या कहेंगे, कुछ क्षण के लिए बंद कर दिया गया था रास्ता, क्या कुछ डिमांड थी श्रद्धालु इनकी, भैया तो शराब का ठेका बंद कराने के बारे में थी और हमने शराब के ठेके को बंद करा दिया है, अब देखते हैं जाम खुलवा दिया। कितने मिनट तक जाम रहा सर? जाम तो यही कोई 10 मिनट तक रहा। 10 मिनट तक रहा। हाँ जी सर, बस संतुष्ट है अब श्रद्धालु? अब भोले साहब संतुष्ट हैं, अपना इनको कहा हमने भाई रेस्ट करो, अपना खाना खाओ, रेस्ट करो। तो
तो फिलहाल रामपाल जी थे, SHO साहब थे, श्रद्धालु रुष्ट हुए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं उन्होंने बताया 5 या 10 मिनट तक जो है रास्ते को जो है फिलहाल ब्लॉक यहां पर किया गया था, पर लेकिन अब ठेके को बंद कराने के बाद बहरहाल यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समय रहते जो प्रशासन ने जो है पुलिस प्रशासन ने जो है समय रहते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाला और सभी श्रद्धालुओं को संतुष्ट करके उन्हें कहा आप आराम कीजिए और ठेका जब तक ठेका बंद रहेगा। तो फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।